अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जो चाहे करे, कोई रुकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। खाता खुला हुआ है जनाब, और खाते में जिसका नाम चाहे लिख दें, जिसका चाहे नाम निकाल दें, कोई पूछने वाला नहीं है। सेंट्रल कॉन्टैक्ट अनाउंस हुआ है, और सेंट्रल कॉन्टैक्ट है या सेंसलेस कॉन्टैक्ट, कुछ समझ नहीं आ रहा। मसलन शान मसूद को आपने निकाल दिया, असद शफीक को निकाल दिया, हैदर अली, हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद, अम्माद वसीम, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, उस्मान शिनवारी, शान मसूद, मतलब किस बुनियाद पे? पाकिस्तान क्रिकेट है, पाकिस्तान क्रिकेट में पैसा आपको क्रिकेटर्स को देना है। सिर्फ 20 क्रिकेटर्स को पैसा देना कुछ समझ से बालातर वाली बात है। आप कहते हैं कोविड है, लेकिन कोविड के दौरान बाकियों की अय्याशियाँ बरकरार रही, बाकी बोर्ड के अहलकार तो मज़े करते रहे, लेकिन खिलाड़ी कम कर दिए आपने। मैं सोचता हूँ कि 32-36 खिलाड़ी होने चाहिए, 40 खिलाड़ी होने चाहिए जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले, लेकिन हैरत की बात है आपने पूल 20 कर दिया। मतलब एक स्क्वाड रखा है और बस काफ़ी है। मुझे समझ नहीं आता असद शफीक से इतनी मायूसी क्यों हो गई है, मुझे समझ नहीं आता हैदर अली को हाई परफॉर्मेंस के इतने बड़े बड़े कोचेस क्यों सही नहीं कर सके, मुझे समझ नहीं आता उस्मान शिनवारी से आपको क्या मसला है, जुनेद खान के साथ भी आपको कोई मसला था। अब नसीम शाह को आप ज़ाया कर रहे हैं, अगर आपकी एकेडमी अच्छे खिलाड़ी को मज़ीद बेहतर नहीं कर सकती या उसके मुश्किल वक्त को जल्दी ख़त्म नहीं कर सकती तो बंद कर दें एकेडमी, फजूल है। वहाँ पर इतने सारे आपने कोच रखे हैं अच्छे खिलाड़ी को, क्या बाबर को मज़ीद अच्छा करने के लिए वो लोग मौजूद हैं? हैदर अली को क्यों नहीं सही हो सकता, हैदर अली पे क्यों काम नहीं किया जा सकता, हैदर अली को क्यों नहीं आप बेहतर खिलाड़ी बना सकते? असद शफीक के साथ क्या मसला है? असद शफीक एक या दो सीरीज़ की वजह से टीम से बाहर कर दे दिया जाने वाला खिलाड़ी तो हरगिज़ नहीं है। असद शफीक पे आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया, 70-72 टेस्ट खिलाए, ठीक है, प्रॉब्लम आई कुछ अच्छे, उसने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, लेकिन अब उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। कंसीडर करें, अपने टैलेंट को ज़ाया ना करें, अपने खिलाड़ियों को बिला वजह गायब ना कर दिया करें, बिला वजह उनको रिटायरमेंट पर मजबूर नहीं कर किया कीजिए। यासिर शाह कैटेगरी में बी में रहते हैं, वो उन्होंने एक मैच नहीं खेला, क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन सरफराज को आप डिमोट कर देते हैं, और सरफराज को आप डिमोट करके जनाब सी कैटेगरी में ले आते हैं, वो कैप्टन जिसने आपको एक ICC इवेंट जीत के दिया, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में आपको कामयाबी दिलाई। प्रॉब्लम होती है हर खिलाड़ी के साथ, और ये प्रॉब्लम ही के लिए आप एकेडमी बनाते हैं जहाँ पे आप खिलाड़ी को भेजते हैं और उसको उसकी खामियां दूर करते हैं। इतने बड़े बड़े कोच रखे हुए हैं जो टीम के साथ सिर्फ 10 दिन के लिए होते हैं, 15 दिन के लिए होते हैं, बड़ी सैलरियों पर होते हैं जनाब, लेकिन टीम के साथ काम कितना करते हैं? सवाल तो बनता है ना जनाब, पूछें कि मिसबा उल हक टीम को कितना टाइम देते हैं? यूनस खान साहब आए, पहले तो उनकी सिलेक्शन पे ही काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया, जिसमें मैं भी शामिल था, क्योंकि बहुत बड़े क्रिकेटर ज़रूर हैं लेकिन उनका टेम्परामेंट मैनेजिंग स्टाइल का नहीं है। वो बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, और अगर उनके डिसीजन में कोई इंटरफेरेंस करे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और जनाब खरी खरी सुना देते हैं। आजकल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नया बवाल मचाया हुआ है उन्होंने, और ठीक ही है, आप लोग ही ऐसे लोगों को क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और फिर हमें कहते हैं कि जी हम जो है यूट्यूबर्स हैं, हम पाकिस्तान क्रिकेट पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसाइज़ बनता है जब आप ऐसे फैसले करते हैं, यानी कि सिर्फ 20 क्रिकेटर्स को आपने सेलेक्ट किया है सेंट्रल कॉन्टैक्ट के लिए, शेमफुल एक्ट ऑफ PCB है, जिसकी मैं जितनी भी मुजम्मत करूँ कम होगा, क्योंकि इस एक्ट की मजम्मत करनी चाहिए। ये कोई बेहतरीन फैसला नहीं है कि आपने सिर्फ 20 खिलाड़ी सेलेक्ट किए हैं और 20 खिलाड़ियों को पिक करके शान मसूद के जो मुझे निकालने की वजह समझ नहीं आई। शान मसूद जिन्होंने PSL में भी कुछ अच्छी इनिंग्स खेली, मतलब जो पसंद होता है ना, जिसकी पसंद होती है, आपको पसंद है तो वो बग़ैर खेले भी बी कैटेगरी में रह सकता है, और जो पसंद नहीं है आपको वो अच्छा खेले भी तो आप उसकी पुरानी खामियां ढूंढते हैं, आप उसके मसले ढूंढते हैं, और आप उसको टीम से बाहर करने के लिए, सेंट्रल कॉन्टैक्ट से बाहर करने के लिए कोई ना कोई जवाब क्रिएट कर लेते हैं, जो मुझे समझ नहीं आती। मुझे समझ नहीं आती कि जनाब ठीक है कैटेगरी ए में रिजवान की जगह बनती है, हसन अली ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है,
लेकिन सवाल तो ये बनता है कि क्या आपने सरफराज को कारकर्दगी दिखाने का मौका दिया है, क्या आपने उसे खिलाया है। जनाब PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से वही खेलता रहा, उसने टीम के लिए काम किया, वो टीम अच्छी नहीं चली, टीम ने कारकर्दगी नहीं दिखाई, लेकिन सरफराज मुस्तकिल कारकर्दगी दिखाता रहा, सरफराज मुस्तकिल डटा रहा, अपनी इनिंग खेलता रहा, सरफराज ने हिम्मत नहीं हारी, सरफराज ने जान मारी, लेकिन सरफराज आपकी गुड बुक में नहीं है। मुझे समझ नहीं आता मिसबाउल हक को क्या प्रॉब्लम है सरफराज से, एक फाइटर खिलाड़ी है, एक टीम के लिए एक अच्छा साइन है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है उससे, वकार को प्रॉब्लम है उससे, और ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ PCB इंतकाम लेता है उन कैप्टन से जिन्होंने ICC इवेंट जिताया हो। यूनस खान के साथ भी ऐसा ही हुआ, सरफराज के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा लगता है हमारा क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि कोई ICC इवेंट जीतने वाला कप्तान अच्छी पोजीशन पर रहे, इज्जत रहे उसकी। आप तो ऐसा लगता है इवेंट जीतने वाले कप्तान को जलील करने के लिए बैठे हुए होते हैं, यानी कि पाकिस्तान के लिए किसी ने कोई ट्रॉफी जीत ली, पाकिस्तान के लिए किसी ने कोई टाइटल जीत लिया, तो आप उससे इंतकाम लेते हैं। और बहुत हैरत की बात है कि सरफराज को इस दफ़ा इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और बहुत से पंडित बहुत से सियाने कहते हैं कि जनाब कोई बात नहीं, सरफराज तो जनाब टीम में ही नहीं होता, लेकिन बात फिर यही है कि उसे कितने चांसेस मिल रहे हैं, उसको कितना आप खिला रहे हैं। रिजवान को आप खिला रहे हैं तो रिजवान कारकर्दगी दिखा रहा है, लेकिन क्या सरफराज को इतना मौका दिया है, क्या आपने सरफराज को इतने मैचेस दिए हैं, क्या सरफराज को इतना टाइम दिया है कि वो अपने आप को प्रूव करे। मेरे ख्याल से नहीं किया। और हैरत की बात है, अब माद वसीम जैसे क्रिकेटर को आप ज़ाया कर रहे हैं, शान मसूद जैसे क्रिकेटर को आप ज़ाया कर रहे हैं, और बहुत सोकाल बहुत अच्छा आप फैसला कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता ये फैसले कहाँ से हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किस तरह की लॉजिक है। धानी को आपने एमर्जिंग में रखा, बहुत अच्छी बात है, उस्मान कादिर को रखा, लेकिन मेरे ख्याल से एमर्जिंग में आप और खिलाड़ियों का रख सकते थे, हैदर को आप डिमोट करके एमर्जिंग में रख सकते थे, आप नसीम शाह को रख सकते थे, आप टाइम देते नसीम शाह पे, मेहनत करें, अगर आपकी एकेडमी में नहीं हो सकता तो आप बाहर के मुल्कों में भेज दें, ऑस्ट्रेलिया में भेज दें। नसीम शाह एक अच्छा बॉलर था, एक प्रॉमिसिंग बॉलर था, ज़ाया हो रहा है जनाब, एक नौजवान बॉलर ज़ाया हो रहा है। थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट पे तवज्जो दे दें, पाकिस्तान क्रिकेट का पैसा है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स पे खर्च नहीं होगा तो फिर किस पे खर्च होगा। पाकिस्तान का क्रिकेट का पैसा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे खर्च करें। मैं एक दफ़ा कैटेगरी बता दूं, बड़ी अजीम कैटेगरी बनाई है, 4 खिलाड़ी हैं जनाब, ए कैटेगरी में बाबर हैं, ए कैटेगरी में हसन अली हैं, मोहम्मद रिजवान हैं ए कैटेगरी में, तो ए कैटेगरी में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अज़हर अली को आपने डिमोट कर दिया, अज़हर अली के पास टाइम नहीं था, टेस्ट मैचेस इतने नहीं थे, तो ठीक है अज़हर अली को आपने डिमोट कर दिया, मेरे ख्याल से तो उनको भी ए कैटेगरी में रखा जा सकता था, सरफराज को भी आप रख सकते थे ए कैटेगरी में, कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो जाता अगर आप 2 खिलाड़ियों को एक कैटेगरी में रख देते। आखिर आपने यासिर शाह को भी तो बी कैटेगरी में रिटेन किया है ना, जो यासिर शाह हैं जिन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेली इस पूरे अरसे में, लेकिन वो जनाब बिल्कुल खेल सकते हैं। और आपके जनाब सरफराज आपको अच्छा नहीं लगता। सी कैटेगरी में आबिद अली हैं, इमामुल हक हैं, हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, नुमान अली हैं और सरफराज अहमद हैं। इसी तरह ई कैटेगरी में इमरान भट्ट हैं, शाहनवाज धानी हैं और उस्मान कादिर हैं, जो आपकी कैटेगरी है एमर्जिंग है। बी में अज़हर अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, फवाद आलम हैं, शादाब खान हैं और यासिर शाह हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट का पैसा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे खर्च कर दें तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, सोचना होगा और सोचें, गौर करें, और ख़ुदा के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे रहम करें, पाकिस्तान क्रिकेट पे रहम करें, और पाकिस्तान क्रिकेट का पैसा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे खर्च करें, उन्हें बेहतर बनाएं, जो खिलाड़ी हैं जो टैलेंट है उसको निखारें, ना कि उसको बिगाड़ के ख़त्म करके बर्बाद करके आप उसको तबाह करके टीम से बाहर कर दें और उसका कैरियर ख़त्म कर दें। सोचना होगा, हम सबको सोचना होगा, वरना इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।